हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले स्क्रीमसोन 35 टैबलेट के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेस एंड इसके सब्सिट्यूट्स के बारे में। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके अंदर हमें 21 टैबलेट्स मिलती है। 21 टैबलेट्स का प्राइस 358 रुपीज है और क्रिमसोन 35 टैबलेट्स सन फार्मास्यूटिकल्स का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर एथिनिल एस्ट्राडियोल 0.035 मिलीग्राम और सिप्रोट्रियोन एसीटेट 2 मिलीग्राम होता है। तो गाइज, अब जल्दी से इसे ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हमें ये 21 टैबलेट्स मिलती है। ये 21 टैबलेट जो दिखने में थोड़ी ब्लू कलर में है और इसमें इंस्ट्रक्शंस भी मेंशनड है, जैसे कि अगर आपको ये खाना है, ये पैक जब स्टार्ट होता है तो आपको यहीं से ही ऐसे रोटेट करते हुए खाना होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डोजेस के बारे में। पहले हम गाइज बात कर लेते हैं आखिर ये एथिनिल एस्ट्राडियोल और सिप्रोट्रियोन होता क्या है। तो गाइज, ये एथिनिल एस्ट्राडियोल प्राइमरी वुमेन सेक्स हार्मोन है जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के एक पार्ट के फॉर्म में बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बनाए रखने का काम करता है, जिससे मेनोपॉज के बाद होने वाले सिम्पटम्स से राहत मिलती है। सिप्रोट्रियोन एक प्रोजेस्टेरोन है, साथ में एस्ट्राडियोल के साथ ये अपने ओवरी से अंडे को रिलीज करके दबा देता है और प्रेगनेंसी के इंसिडेंट को सपोर्ट करके अदर मैकेनिज्म के साथ इंटरफेरेंस से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करता है और यह बॉडी में नेचुरल प्रोजेस्टेरोन दबाकर इस तरह से सीवियर डिप्रेशन सिम्पटम्स, इरिटेबिलिटी, टेंशन और मुहासों में मदद करता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं? तो गाइस, इस टैबलेट को आप पीरियड्स के बाद होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, अंडाशय में गांठ की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, मुहासों में, पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, हार्मोन्स डिसबैलेंस में, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर में। आप इन सब प्रॉब्लम्स में इस टैबलेट को इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर इस टैबलेट का यूज प्रेगनेंसी से बचने के लिए, मुहासों में और हार्मोन्स डिसबैलेंस में ज्यादा यूज किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को यूज करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे कि आपको वोमिटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, स्तन में कोमलता आ सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, पेट में गैस बन सकती है और हेडेक भी हो सकता है। करते हैं अब इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। इस टैबलेट को कब यूज नहीं करना चाहिए? जैसे कि अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, कैल्शियम का हाई लेवल हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो और स्वेलिंग हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस टैबलेट को यूज ना करें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें। अब बात कर लेते हैं गाइस इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। तो इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली वुमेन्स के लिए ही टैबलेट है। इस टैबलेट को वुमेन्स ही यूज करें तो बेटर रहेगा। इस टैबलेट को डेली वंस अ डे दिन में एक बार लिया जाता है, वो भी कंटिन्यू 21 डेज तक। 7 डेज का गैप करके फिर से आप इस 21 टैबलेट के पैक को कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट को 3 मंथ्स तक कंटिन्यू खाने की सलाह देते हैं, तभी इस टैबलेट को प्रेगनेंसी से बचने के लिए खाया जाता है। और इस टैबलेट की हेल्प से आप हर दिन विदाउट सेफ्टी सेक्स भी कर सकते हैं। इस टैबलेट से इरेगुलर पीरियड्स में भी राहत मिलती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप चाहे इसे संडे से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उधर सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप संडे से स्टार्ट करते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसी बैक टू बैक आप खाते जाएंगे, फिर यहाँ तक आपकी 21 टैबलेट्स कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका पूरा 21 टैबलेट का पैक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 7 डेज का गैप करके सिंपली आप इसके दूसरे पैक को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, बस यही था इस टैबलेट के बारे में। अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।